हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लैनेट। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपको एक्सपोनेंट एंड पावर का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड लेक्चर है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और खूब सारा शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में आज क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक। उसके बाद देखेंगे रेशनल एक्सपोनेंट, रेशनल एक्सपोनेंट के नंबर देखेंगे, सी के अंदर देखेंगे लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट, फिर रेशनल एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर का, ठीक है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था आपका एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, यानी पॉजिटिव एक्सपोनेंट, फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट, फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तीन टॉपिक, ठीक है। तो आज फिर मैं दो टॉपिक लेके आया हूं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास पढ़ा था ये पढ़ा था, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमारा हुआ था ये हुआ था आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हुआ था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट एक्चुअली, ठीक है। तो आप लास्ट क्लास देख लेंगे अगर नहीं मालूम तो। आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले क्या है एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट मतलब नेगेटिव नंबर का पावर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने माइनस साइड के पावर क्या लिखा 3, ठीक है, क्लियर। हमने यहाँ पे लिख दिया, सेकंड लिख दिया हमने माइनस 2 के पावर 4, ठीक है। और तीसरा हमने एक एग्जाम्पल लिया 5 के पावर 3, माइनस 5 के पावर 3। तो आपको इससे पूछेगा तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, ये हमने बताया था किसी का पावर अगर nth हो, जितनी बार पावर उतना बार इसलिए तो माइनस 8 इंटू माइनस 8 है ना, इस तरह से ब्रैकेट में इंटू माइनस 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 32, 3 से 8 48, 500 बार, यानी 500 बार। फिर उसके बाद हम करते हैं ये माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस ये करते हैं, नहीं। ये तो था तीन का, चार का होगा क्या करेंगे, माइनस टू इंटू माइनस टू है ना, इंटू माइनस टू कितना, 1 2 3 4 पढ़ोगे कितना हो जाएगा, 2 4 8 16 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फिर से माइनस प्लस 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 यानी 16 किया। तो ये तो था कम पावर, अब इस तरफ से ये कर लेंगे आप, ठीक है। माइनस कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 125, ठीक है। लेकिन अगर ये पावर आपका माइनस 2 के पावर अगर ये 10 हो जाए, ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट पूछे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट पूछे तो एक तो आप 2 × 2 × 2 × 2 कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका आपका रिजल्ट पूछे कि ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछे, क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि क्या रिजल्ट आएगा, पर ये पूछे कि आपसे कि इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे आएगा वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे ना इतना बड़ा, ठीक है। तो मैं इसके 2 एग्जांपल कर रहा हूँ, ये 4th और ये 5th। तो इसका क्या करेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि मैं इसका रूल्स बता दूं कि अगर नेगेटिव कोई नंबर हो, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव वाले कोई नंबर है और इसका पावर अगर यहाँ पे ऑड है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव का पावर क्या हो, ऑड हो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और यहीं पे नेगेटिव का पावर अगर इवन नंबर ऊपर हो तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव नंबर, यही आपका है, ठीक है, यही रूल इस्तेमाल करना, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव नंबर। तो कहीं भी अगर आपका नेगेटिव नंबर का देखना है एक्सपोनेंट, तो आपको देखना है कि नेगेटिव नंबर पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो नेगेटिव मिलेगा, पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में माइनस 2 के पावर कितना है, 10, यहाँ पे क्या है इवन है, तो बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 के पावर 10 तो रहेगा ये माइनस का रहेगा प्लस रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का पावर क्या था, ऑड था तो माइनस मिला, माइनस का क्या था इवन था तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि नेगेटिव का पावर जब भी पूछे तो ये आपको देख लेना है कि ऑड है कि इवन है, अगर ऑड है तो नेगेटिव में रिजल्ट मिलेगा और इवन पावर तो पॉजिटिव में रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपका एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट हमारा है रेशनल एक्सपोनेंट, ठीक है। रेशनल एक्सपोनेंट में क्या होता है, सबसे पहले इसका कुछ इस तरह से लिख दूं, अगर आपका कहीं पे कुछ लॉज, इसका पहले मैं लॉज लिख रहा हूँ, ठीक है, लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट। अगर कहीं पे ये रूट ए इंटू रूट ए, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, दोनों का रूट में ना, तो ये ए हो जाएगा। अगर रूट ए इंटू रूट सेम चीज है, अगर रूट में ना, तो इसका क्या जाता है, रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, इधर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर रूट 2 × √2 है तो ये क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, क्लियर। अगर यहां पे ऐसे हो रूट ए अपॉन में रूट ए,
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ए अपॉन ए, मतलब अगर अलग अलग रूट है तो इसको होल रूट कर सकते हैं, ठीक है, या अगर होल रूट है दोनों का, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर रूट ए अपॉन बी है, रूट ए अपॉन रूट बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, अंडर रूट में ए, या फिर ऐसा हो कि अंडर रूट में ए अपॉन बी हो तो इसको अलग कर सकते हैं, रूट ए अलग रूट बी अलग, बिल्कुल उसकी तरह पॉजिटिव एक्सपोनेंट की तरह, जैसे पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट था वैसे ये रूट रूट जो होगा ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। थर्ड, अगर ये रूट ए इंटू रूट ए बी है तो इसको क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है, क्लियर। अगर ये दोनों क्या है प्रोडक्ट में है तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना रूट ए प्लस अगर रूट बी है ना तो इसको मत लिख देना ऐसे रूट ए प्लस बी, ये क्या होगा रॉन्ग, ध्यान रखना ये रॉन्ग है, ठीक है, ये प्रोडक्ट में होगा या डिवाइड होगा तब ये सब है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इस रूट का मतलब, ये रूट अगर हमने यहां पे लिखा है ना रूट ए, इसका मतलब होता है ये ए का पावर हाफ, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर यहां पे कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ इसके अंदर में ऐसे थ्री और यहां पे लिखा हुआ, इसको जब ये रूट हटाएंगे तो ये अगर ए का पावर वन अपॉन थ्री, ठीक है। अच्छा एक चीज बताता हूं, इस ये है एक थ्री रूट ए और एक है ये ऐसे, इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे जो ये थ्री है ये रूट के अंदर है, यहाँ पे जो ये रूट ये थ्री है रूट के बाहर, तो ये जो है ना एक्चुअल में थ्री इंटू रूट ए, और ये जो है ना रूट के अंदर जो थ्री है ये हो जाएगा आपका ऐसे ए के पावर वन अपॉन थ्री, तो इसको पढ़िए क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, और इसको पढ़ेंगे थ्री इंटू रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए, मतलब थ्री प्रोडक्ट में स्क्वायर रूट, ये प्रोडक्ट में है और ये क्यूब रूट है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, अगर लिखा हुआ है एन और ये रूट में यहां पे ए है, ठीक है, तो ये क्या ए के पावर वन अपॉन एन, यानी यहां पे जितना भी ये रूट में होगा ना, जो भी यहां पे रूट में होगा वो पूरा क्या होगा अपॉन में चला जाता है, ठीक है, या अगर कहीं पे ऐसे अपॉन में हो तो ये क्या चलाएगा रूट में, ठीक है। जैसे अगर हमने यहां पे लिखा है ए के पावर वन अपॉन नाइन, तो इसको अगर हटाएंगे तो क्या नाइन रूट ऑफ ए, नाइन्थ रूट ऑफ, इसको बोलते हैं एनएफ रूट, क्या बोलते हैं इसको, ये आपका एनएफ रूट, ठीक है। रेशनल एक्सपोनेंट के अंदर क्या देखने वाले हैं, एनएफ रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एनएफ रूट मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जब क्या होता है रूट के अंदर इस तरह से हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्या है एनएफ रूट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे एनएफ रूट ऑफ ए, तो ये क्या होता है अपॉन में चला जाता है पावर, ठीक है, क्लियर। अब इसका मैं एग्जाम्पल दिख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे ये आपका फोर लिखा हुआ, तो जब ये सिंपल दिख रहे रूट तो इसका मतलब होता है यहाँ पे टू है, तो ये क्या जाएगा फोर के पावर, यानी इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, यानी टू, यहाँ पे टू के लिए नहीं लिखते, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये बताया था कि फोर क्या लिख देंगे, फोर को हम टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये वन पॉइंट टू, ये क्या जाएगा टू के पावर टू है, तो ये क्या पावर के ऊपर पावर दिखता था प्रोडक्ट हो जाता है, फिर ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू के पावर वन बचेगा यानी टू आ गया, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, और मैं इसके एग्जाम्पल रहा, पहला एग्जाम्पल हमने लिया, दूसरा लिया हमने क्या लिया क्यू रूट ऑफ एट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या बताया होता है एट का पावर क्या हो जाएगा ये वन पॉइंट थ्री हो जाएगा, और फिर एट को क्या लिखते हैं टू के पावर थ्री के पावर वन पॉइंट थ्री, फिर से पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा थ्री इंटू वन पॉइंट थ्री, ये थ्री से थ्री कैंसिल कितना जगह पे ये भी टू आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। थर्ड मिलेगा आपको, हमने लिखा यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ रूट ऑफ थर्टी टू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ थर्टी टू, तो थर्टी टू के पावर कितना जाएगा वन अपॉन फाइव, फिर थर्टी टू को जब फैक्टराइज करेंगे तो जाएगा टू के पावर फाइव, ठीक, और इस तरह से फिर क्या जाएगा पावर ऊपर पावर तक प्रोडक्ट हो जाएगा, पावर ऊपर पावर तक क्या प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंट का रूल है, फिर ये फाइव पड़े नीचे कट जाएगा टू के पावर वन बचेगा यानी टू हो गया आंसर, तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी यहाँ आगे रूट के अंदर होता है वो अपॉन में चला जाता है, ठीक है। तो दूसरा मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ, ये यहाँ पे भी पावर है और यहाँ पे भी पावर है, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे एन एच रूट ऑफ ए के पावर एम, तो ये क्या होता है जनरली ये जो बाहर जो इस रूट के अंदर ये जो यहाँ पे पावर होता है ये तो अपॉन में चला जाता है, ठीक है, और ये पावर था जैसे, यानी इसको मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तो ए के पावर एम है, ए के पावर एम रहेगा, और ये मैंने बताया था कि पावर क्या होता है अपॉन में चला जाता है, पूरे का पावर क्या जाएगा वन अपॉन एन,
और फिर ईसी क्या करेंगे, ये पावर के ग्रुप पावर है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो एम इंटू वन अपॉन एन, यानी फाइनली क्या जाएगा एक पावर एम अपॉन एन, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यानी करना क्या आपको, जो यहाँ पावर है उसको सीधा नीचे की तरह, और जो यहाँ पावर है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पावर, ये वाला पावर ऊपर है और ये वाला पावर नीचे। उसी को मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ, यहाँ पे क्या है क्यूब रूट ऑफ 4 के पावर 3, तो मैंने क्या बताया 4 के पावर 3 तो ऐसे रहेगा, ये जो पावर है क्या रहेगा नीचे जा रहेगा, ये 3 से 3 कैंसिल, ये बन जाएगा 4 आंसर। सेम यही काम यहाँ भी, अंदर का जो पावर है सेम टू सेम ऐसे नहीं देना, और ये जो पावर है वो कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, यहाँ वाला 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 5 के पावर 1.2 बच गया, ठीक है क्लियर। और 5 के पावर 1.2 को हम ऐसे ले सकते हैं, 2 ये आगे लिया है ऐसे, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 5 मैंने बताया था ना कि जब यहाँ पे 2 होता है तो स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, और 2 को हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज मैंने बताया कि स्क्वायर रूट को ही ऐसे लिखते हैं, जो स्क्वायर रूट होता है उसका पावर यहाँ पे क्या होता है कुछ नहीं, तो 2 है तो 1.2 है, तो 1.2 को फिर वापस हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या nth रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं nth रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है। जैसे हमने nth रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर देखा कितना होता है a के पावर 1/n, ये तो पॉजिटिव नंबर के लिए, अगर इफ इफ a इज नेगेटिव, अगर a नेगेटिव है, ठीक है, साथ में कंडीशन लगाएगा a इज नेगेटिव एंड n इज ऑड, ध्यान रखना a को नेगेटिव होना है और n को ऑड होना है, तब जब इसका nth रूट होगा, अगर a नेगेटिव है तब जो होगा तो ये माइनस ऑफ मॉड ऑफ माइनस ऑफ a के पावर 1/2 ये हो जाता है, यानी यहां भी माइनस यहां भी माइनस, ठीक है, इसको पढ़ते हैं मॉड बस, क्लियर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि n क्या होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए, अगर a नेगेटिव है तो n क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए, अगर इफ a इज नेगेटिव, हमने पॉजिटिव के लिए देख लिया nth रूट ऑफ पॉजिटिव के लिए देख लिया, नेगेटिव बात करें a इज नेगेटिव एंड n इज ऑड के जब क्या हो इवन हो, इसके लिए ये डिफाइन नहीं होता, इसके लिए nth रूट नॉट डिफाइन, ठीक है, इसका nth रूट डिफाइन नहीं होता, ध्यान रखना n सिर्फ ऑड होगा तब। और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हमने यहां पे लिया ये q रूट ऑफ माइनस 8, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि a यहां पे क्या नेगेटिव, तो क्या होगा, एक तो सबसे पहले एक बार माइनस लिखेंगे, फिर अंदर में जैसे है वैसे ही माइनस एट, हमने यहाँ पे ए को नेगेटिव लिखा है ना, तो नेगेटिव हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि ये क्या है नेगेटिव, ठीक है, तो माइनस एट है तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस एट का पावर क्या जाएगा 1/n, ठीक। अब जब मॉड क्या करता है, मॉड नेगेटिव को क्या बनाता है पॉजिटिव, तो ये मॉड जब हटाएंगे तो माइनस एट क्या बनेगा 8 बनेगा, तो मॉड हटाओ क्या बनाएगा 8 बन गया, और बाहर माइनस है तो माइनस, ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 है आपका तो 3 माइनस इधर ये, ठीक। अब क्या जा रहा है, ये माइनस तो बाहर तो 8 के क्या लिख देंगे 2 के पावर 3 के पावर 1/3, फिर देख सकते हैं पावर पावर प्रोडक्ट वो कट जाएगा कितना जाएगा माइनस का 2 के पावर 1 यानी 2 आपका है। क्वेश्चन में आप क्या और लिख रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए फिर से देख सकते हैं नेगेटिव नंबर के पावर क्या है एन है, यानी ये नीचे वाला एन होता है, देख सकते हैं हमने जो लिखा था यहाँ पे रूट एन और ये ए ऐसे लिखा था और एक बार कहा था नेगेटिव है तो ये होता है एन नीचे का, तो एन के बारे में कह रहा है क्या होता है, यानी नीचे वाला नंबर, ऊपर नहीं देख रहे पूरा एन नहीं है, ये सिर्फ नीचे वाला एन है, ठीक है। तो जब नेगेटिव का होता है तो क्या करते हैं, तो हमने बताया था कि पहले माइनस बाहर ले लें, फिर एक मॉड के अंदर ये ले लें 243 और उसके बाद ये पावर 1/5, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये माइनस कैसे ले जाएगा, ये मॉड नेगेटिव क्या करता है पॉजिटिव करता है, 243 का पावर क्या 1/5, ध्यान रखना माइनस 12, अब इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, ये आएगा आपका 3 के पावर 5 के पावर 1/5, यहाँ नेगेटिव था लेकिन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट हो जाएगा ना, ये कैसे होगा ये ऐसे हो जाएगा ना 3 के पावर 5 × 1/5 और ये आगे माइनस, तो ये 5 से कैंसिल, ठीक है, कितना जाएगा −3/1 यानी −3, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका ये a के पावर p की पावर 1/q, तो ये तो हम जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर क्या जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगी, a के पावर p अपॉन में q, q नीचे है ना, ठीक है, ये ऐसे लिख लेंगे ना, देख सकते हैं आप ऊपर में लिख दे रहा हूं, इसको क्या लिखेंगे a के पावर p * 1/q पावर प्रोडक्ट होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा a के पावर p / q, हां
यानी अगर कहीं पे ऐसा हो तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं या उसका उल्टा कन्वर्सली, अगर कहीं पे ऐसा लिखा ए के पार्ट पी अपॉन क्यू तो इसको क्या लिखेंगे, ए के पार्ट पी अलग से और ये वन अपॉन क्यू अलग से। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए के पार्ट वन अपॉन क्यू अंदर और ये पी बाहर, तभी कोई बात है, देख सकते हैं आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाला, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से इतने सारी चीज। अब इस पर मैं ऐसा क्यों उदाहरण, क्योंकि इस पर मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन करेंगे। 4 के पावर ये आपका 3/2, ठीक है। तो हमने क्या बताया, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, जो 4 के पावर 3 है उसको अंदर लिख लिया और 2 को बाहर, वन पर 2 को बाहर लिख लिया, जो नीचे है वो अपॉन होता है, जो ऊपर ऐसे सीधा, ठीक है। तो 4 के पावर 3 कितना होता है 64, 64 के पावर हाफ, और पावर हाफ को मैंने क्या बताया था, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। पावर हाफ को क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, ठीक है। इसी को हम ऐसे कर सकते थे, और तो मैं दिखाऊं, 4 के पावर 1/2 को अंदर लिख दें और 3 को बाहर लिख दें, है ना। 4 के पावर 1/2 पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, इसको सॉल्व करने से भैया करें ना, 4 के पावर हाफ का मतलब कितना जाएगा 4 का स्क्वायर और इसके पावर 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, तो 2 के पावर 3 कितना गया 8, देख सकते हैं। तो आप पावर इसको अंदर ले, इसको याद अंदर ले, ध्यान स्पष्ट रखें नीचे वाले को अपॉन में रखना, नीचे होता है हमेशा अपॉन में रहेगा, नीचे है ना, नीचे रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, -8 का क्या है 2/3, फिर से मैंने बताया किसी को भी आप एक को अंदर एक को बाहर कर सकते हैं, तो क्या जाएगा -8 का हमने क्या लिया 2 ले लिया और ये आपका हो गया 1/3 बाहर कर लिया, इसको भी अंदर ले सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं। -8 के पावर यानी -8 का स्क्वायर नेगेटिव का पावर इवन है, क्या बन जाएगा पॉजिटिव, 8 8 64, ठीक है। इसको तोड़ के लिख रहा हूँ मैं, -8 × -8 लिखेंगे ना, ठीक है, कितना जाएगा 64। और मैंने सीधा बताया कि नेगेटिव का पावर क्या हो, अगर इवन हो तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है पॉजिटिव मिलता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक। अब इसको फिर सॉल्व करना क्या करेंगे, इसको ऐसा कुछ करेंगे, इसको फैक्टराइज करें कि पावर 3 का कुछ बन जाए, तो ये 4 के पावर 3 देख सकते हैं बनेगा, तो ये 1/3, फिर से पावर पावर क्या प्रोडक्ट जाएगा 4 के पावर 3 × 1/3 कैंसिल दिखा दे 4, ठीक है। अल्टरनेट दिखा रहा हूँ और करते मैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ 8 के पावर 1/3 माइनस का 8 के पावर 1/3 बंदा लिख रहा हूँ और 2 को बाहर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है देख सकते हैं आप, नेगेटिव का पावर क्या है, नेगेटिव का nth रूट है और ये ऑड है, ये लग रहा है ना, नेगेटिव का nth रूट है ना, जहाँ एन क्या है ऑड है। तो क्या होता था कि मॉड माइनस बार साइन, फिर माइनस अंदर -8 है वो भी, और ये 1/3, फिर बताया था कि मॉड क्या करता है, इस नेगेटिव को खत्म करता है, तो अंदर में खत्म है बाहर ले जाएगी 8 के पावर 1/3, और फिर क्या हो जाएगा 8 का पावर 1/3 क्या है क्यू रूट ऑफ 8 है ना, क्यू रूट ऑफ 8 कितना लगेगा 2 है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिखता है 2 के पावर 3 और 1/3, ये 3 कट जाए क्या गया -2। अच्छा यहाँ पर रिजल्ट अलग आ गया, चलिए देखते हैं कहाँ तक जो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर में क्या था, इसके बाहर में क्या है 2 ही तो है, इसके ऊपर क्या है 2 है, इन सब के बाहर क्या है 2 है, इन सब के बाहर क्या है 2 है, तो -2 का स्क्वायर कितना जाएगा नेगेटिव पावर, फिर से ही करना 4। तो आप देख सकते हैं ऐसे भी आंसर, तो आपको जैसा सही लगे इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ले गया हूँ -4 के पावर 3/2, फिर से क्या करेंगे इसको -4 एक पावर को अंदर ले लेंगे 3 और उसका पावर कितना 1/2, तो -4 के पावर 3 कितना जाएगा -4 × -4 × -4, 3 बार करेंगे तो 60 पड़ जाएगा, और माइनस के पावर ऑड है क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, और ये क्या है 1/2। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव का nth रूट है, जब भी पावर अपॉन होना तो उसको रूट पढ़ते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव का और क्या है nth रूट है, ठीक है, यानी ये ऐसे नेगेटिव के ऊपर ये वाला, और n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे क्या है ऑड नहीं है, ये क्या है इवन है, और हमने बताया कि जब ये n इवन हो तो ये क्या होता है नॉट डिफाइंड, यानी इसका कोई आंसर नहीं होगा। इसी को और अगर हम अलग तरीके से लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर हाफ है यानी स्क्वायर रूट ऑफ -64, और हमने ये पढ़ा है कि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए नॉट डिफाइंड का आंसर, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, कभी भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता, ये रियल नंबर कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें सारा कुछ रियल नंबर भी पढ़ना है,
और रियल नंबर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डिफाइंड। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, हमने जो पढ़ा हुआ और इसके तरफ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया है और ये दोनों काफी मैच करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिखाया है, कहीं कंफ्यूजन ना हो इस तरह क्वेश्चन में, याद आ गया याद, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, स्क्वायर रूट का पावर क्या है, माइनस थ्री, और ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ फोर के पावर माइनस थ्री। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस थ्री यहाँ पे बाहर में और यहाँ पे माइनस थ्री अंदर में और रूट बाहर में, यहाँ पे रूट के बाहर माइनस थ्री, यहाँ पे रूट के अंदर माइनस थ्री, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर रूट फोर कितना होगा, टू, फोर का स्क्वायर कितना होगा टू, ये अंदर सॉल्व कर देंगे और टू के बाद क्या है माइनस थ्री। उसके बाद मैंने बताया था कि पावर अगर नेगेटिव हो तो सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस बेस को रिवर्स मतलब कन्वर्ट करना पड़ता था, टू है जिसको हम क्या लेते हैं वन अपॉन टू, और इसका पावर कितना जाएगा थ्री हो जाएगा। ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव करने का तरीका, ठीक है, नेगेटिव पावर मैंने बताया वो कितना जाएगा टू के पावर कितना होता है एट, वन अपॉन एट। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए इसमें मैंने बताया था यही वाला, हमने यहाँ बताया कि यहाँ एंड हो और यहाँ एम हो, तो क्या बताया था कि ये क्या होता है बार वाला क्या होता है नीचे जाते हैं एम ऊपर और ये बार वाला नीचे, देख सकते हैं वैसे ही यहाँ पे क्या है टू है और अंदर में क्या माइनस थ्री, क्या फोर के पावर ये माइनस थ्री ऊपर और यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर मतलब टू, तो ये टू नीचे, ठीक है, क्लियर। ये फिर से अगर ये पावर क्या है, ये नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए वन अपॉन फोर के पावर कितना जाएगा टू अपॉन थ्री, इस तरह से इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये और ये हमने ये क्वेश्चन क्यों लिया, आपको इससे डिफरेंस दिखाने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फिफ्थ रूट ऑफ 32 के पावर माइनस थ्री, इसका फिफ्थ रूट, तो देख सकते हैं यही फॉर्मूला, ये वाला n और यहाँ ए के पावर m, तो क्या होता है ए के पावर m अपॉन में n, तो वही चीज यहाँ में क्या हो जाएगा 32 के पावर कितना हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन में फाइव, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पावर क्या है नेगेटिव है, तो फिर से क्या करेंगे 32 के पावर क्या नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको बेस को क्या करते हैं वन अपॉन में करते हैं, वन अपॉन 32 के पावर कितना हो जाएगा, जो माइनस थ्री अपॉन फाइव था वो थ्री अपॉन फाइव, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये वन ऊपर ऐसे ही नीचे क्या 32 के पावर है ना, तो 32 क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो 32 को जब फैक्टराइज करेंगे तो कितना जाएगा 2 के पावर 5, और फिर पावर कितना 3 अपॉन 5, फिर से ये क्या प्रोडक्ट में ठीक हो जाएगा 1 अपॉन 2 के पावर 5, पावर के ऊपर पावर है ना, प्रोडक्ट हो जाएगा 3 अपॉन 5, ये कट जाएगा कितना जाएगा 1 अपॉन 2 के पावर 3 यानी 1 अपॉन 8, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं करा रहा हूँ ना, इसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर माइनस वन वाई इंटू अंडर रूट वाई के पावर माइनस वन जेड और स्क्वायर रूट ऑफ जेड के पावर माइनस वन इंटू एक्स इक्वल टू वन, मतलब इसको सॉल्व करके वन लाना है, ठीक है। एलएचएस को हमें सॉल्व करना है और क्या लाना है वन लाना है, तो एलएचएस को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका क्या है नेगेटिव पावर, इसका क्या है पॉजिटिव पावर, पावर वन है ना, यहाँ पे पावर वन है यहाँ पे माइनस वन, तो जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाने क्या करते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह से हो जाएगा वाई तो रूट के ऊपर है ना, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनाता क्या बताया था नीचे जाता है ना, बेस नीचे जाएगा या पॉइंट नीचे जाएगा, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा एक्स के पावर वन यानी एक्स से वैसे ही क्या जाएगा वाई के पावर माइनस वन क्या जाएगा वन अपॉन वाई, ये वाई नीचे चला जाएगा और जेड ऊपर रहेगा, ठीक है। वैसे ही इसमें जेड के पावर माइनस वन है तो ये जेड नीचे चला जाएगा और ये एक्स ऊपर है, अब देख सकते हैं। अच्छा इसी को हम ऐसे ले सकते हैं पूरे का, पूरे का स्क्वायर रूट है ना, तो क्या ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपन में स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट दोनों में जाएगा स्क्वायर रूट जेड अपन में स्क्वायर रूट वाई इंटू स्क्वायर रूट एक्स अपन में स्क्वायर रूट जेड। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स से स्क्वायर रूट एक्स कट गया, स्क्वायर रूट वाई से स्क्वायर रूट वाई कट गया, नीचे ऊपर है स्क्वायर रूट जेड से स्क्वायर रूट जेड कट गया, ठीक है। बताया वन से आप यहाँ भी काट सकते हैं वाई से वाई कैंसिल जेड से जेड कैंसिल एक्स से एक्स कैंसिल, प्रोडक्ट में आप काट सकते हैं यहाँ भी डायरेक्ट, ठीक है। तो आपका आगे इक्वल टू आर एच एस, तो मैं होमवर्क में आपको दिया हूँ आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.1 आप कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास बुक है वो आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.1 करें, जिनके पास बुक नहीं है वो जो हमने आज क्वेश्चन कराया जो भी आज कुछ कराया उसी को आप प्रैक्टिस कर लें दोबारा से रिवाइज कर लें, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मैं बता दूं कि ये चीजें समझ में आ गई, अगर हमारी वीडियो पसंद आ गई तो हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और जो है नेक्स्ट मैं बता दूं कि जो भी वीडियो लेक्चर आप अटेंड करते हैं तो आप वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट करें, फीडबैक दें कैसी आपकी वीडियो लगी, ठीक है। कमेंट जरूर करें, कमेंट का मैं रिस्पॉन्स दूंगा।